हरियाणा के करनाल की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, करनाल के नेहरू पैलेस की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक गलियारा खाली होना चाहिए वो यहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, और किस तरीके से यहां पर जो लोगों ने जो है गलियारे को घेरा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। किसी भी दुकान के आगे की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो है स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानें सजाई गई हैं, हालांकि ये जो गलियारा है ये लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है। आप ये देख सकते हैं ये लोगों का आने जाने का रास्ता होता है, काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जाती है, और ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानें सज चुकी हैं। अब ये किसकी शय में सजी हैं ये बात देखने वाली होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर दुकान के आगे इसी तरीके से इनक्रोचमेंट किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, कि जो होना नहीं चाहिए था। नेहरू पैलेस की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के लगातार फ़ोन आते हैं। लोगों का मानना है, साधारण लोगों का मानना है कि वो जब यहाँ से होकर गुजरते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गलियारा किस लिए बना जाता है? गलियारा बनता है लोगों के लिए, लोगों के पैदल चलने का एक रास्ता बनाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे गलियारे को घेर लिया जाता है। ये कहीं और की तस्वीरें नहीं हैं, ये करनाल के नेहरू पैलेस की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, और कुछ एक दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुकानदारों से बात भी करना चाहेंगे कि आखिरकार किसकी अनुमति से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या लगता नहीं है कि ये गलियारा रुक जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें आती हैं? भैया क्या करें, सबका काम यही है, अब क्या करें। गरीब आदमी को पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, ये नहीं देखेगा कोई कि आपने मेरा पेट भरना है सबसे पहले। तो आप ये देख सकते हैं ये दुकानदार हैं, शिकंजी की रेडी अवश्य लगाते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो गलियारे हैं वो भरे हुए हैं। कुछ एक और भी हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं। दुकानदार जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे, आप ये दुकान चलाते हैं, ये गलियारे में सामान रखा है आपने, आपको लगता नहीं है कि ये अवैध है? अवैध फिर कोई नौकरी दे दो भाई साहब, और क्या होगा? अगर इतनी बात है ना तो काम तो करना ही है, रोटी तो खानी है भैया। तो दुकान आपके पीछे है, ये जो दुकान है ये दुकान वालों का सामान नहीं है, आपका अलग से सामान है? दुकान वालों का ही सामान है, अलग से क्यों होगा भैया? दुकान आगे बढ़ा दी है? नहीं, दुकानों के बीच में ही है भैया, ये तो सारा कुछ बीच में ही है। की हद कहाँ तक है? पूछो जाके दुकान मालिक से भैया। आप मालिक नहीं? मालिक नहीं। चलो, कुछ एक और हमारे साथ दुकानदार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप दुकानदार हैं? आप दुकानदार हैं जी। आपको लगता है कि आपने गलियारे को रोका है, पब्लिक का आने जाने का रास्ता रुक जाता है? बिल्कुल रुकता है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जो है बिल्कुल गलत है। मैंने तो एक बार स्टेप भी उठाया था मार्केट के अंदर, लेकिन फिर वही मतलब सब की तरह फिर हमें भी वैसे चलना पड़ता है। मैंने कोर्ट में केस किया था ये सब खाली कराने के लिए, बट उसका 2 दिन असर रहा, उसके बाद ख़त्म। ये कोर्ट के साथ में कब किया? और दुकानदार आदमी यहाँ पे मतलब क्या करते हैं कि पैसा लेते हैं और इनको आगे बिठाते हैं, और एक एक से रेडी वाले से कम 7-7, 8-8 हज़ार रुपये प्राप्त करते हैं। कार्रवाई हुई थी यहाँ पे, ये क्या नाम आपका ये ऑफिस है, तो यहाँ इन्होंने कार्रवाई की थी, यहाँ सबको हटाया था। ये दुकानें नगर सुधार मंडल की हैं? नगर सुधार मंडल की हैं। नगर सुधार मंडल के प्रेसिडेंट ने यहाँ आकर के मतलब पुलिस की सहायता से जो है ना सारी मार्केट खाली करवाई थी। ये कौन सा सन की बात है सर? ये मेरे ख्याल 2 या 3 साल हुए हैं। 2 या 3 साल जी। तो यहाँ जो नगर नेहरू पैलेस की जो मार्केट यूनियन है उसके प्रधान इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते? ऐसा वो अगर ध्यान दे तो ये मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हो ही क्यों? तो आपकी मतलब दुकान कौन सी है जहाँ आप खड़े हैं? यही दुकान है आपकी? जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नंदलाल। नंदलाल जी। नंदलाल जी, नंदलाल हैं, और आप ये देख सकते हैं इनकी खुद की दुकान है, गाल्सवियर के नाम से, महक सिलेक्शन के नाम से जो है, आप ये देख सकते हैं इनकी दुकान है। और इन्होंने भी शिकायत की है कि जो गलियारे के अंदर जो सामान है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जब बाज़ारों में पब्लिक जाती है तो यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है। कुछ एक और भी दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दुकानदार हैं?
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपने जो है ये गलियारे के अंदर सामान रखा हुआ है, कितना जायज है? एक आदमी बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएगा, ये आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करिए, ज्यादा बेटर है। तो मतलब पेजी आप लाइफ में ना सोशल हैं, आप अकेले नहीं चल सकते। अगर आपके साथ चार दुकानदार हैं, उन्होंने सामान बाहर रखा हुआ, तो आपका तो डिस्प्ले बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या तो सब एक करके सब खत्म कर दें, तभी हो सकता है। इस बारे में प्रेसिडेंट ने कभी मुद्दा नहीं उठाया कि गलियारे में, उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। दुकानदार का कहना है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वही जानते हैं कि ये गलियारे में सामान क्यों रखा हुआ है। तो साफ इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट से आप जाकर पूछिए, ये तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गलियारे को ही घेर लिया जाता है। आप दुकानदार हैं, जानना चाहेंगे कि ये जो गलियारा अवरुद्ध कर रखा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, जो गलियारा है वो यूज़ कर रखा है एक लिमिट में, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रखा। जैसे कईयों ने छः छः फुट चार चार फुट यूज़ कर रखा है, जो ये तो पूरा ही आपने यूज़ किया। ये तो सर इतना तो है ही है, ये तो अपना ही है, ये पब्लिक के लिए जाने का रास्ता है। ऐसा है, आप दिल्ली चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, गड्ढे आ रहे तो हर कोई यूज़ कर रहा है, चंडीगढ़ में भी यूज़ हो रहा है। बाइकें कहाँ खड़ी हो रही है? वो तो पार्किंग स्पेस दे रखा है उसके लिए। साफ सेक्टर के अंदर आप जाते हैं तो हर गलियारे आपको खाली मिलते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित चावला है। चावला जी, मैं आपको संज्ञान में डालना चाहता हूँ, जिन महानगरों की आप बात कर रही हैं वहाँ पर गलियारे में अगर कोई सामान रखा जाता है तो नगर निगम द्वारा चालान किया जाता है। सर ऐसा है, यहाँ गलियारे की बात हो रही है ना, वहाँ देखो आप करण गेट मार्केट में जाकर देखो, वहाँ लोगों ने सड़कों पे रखा हुआ है, गलियारे तो दूर की बात है। किसकी शह पर रखा हुआ है सामान? शह की बात नहीं होती किसी की, एक ये है, ये तो आज का थोड़ा है, ये कई सालों से रखा हुआ है, 15-20 सालों से। ये थोड़ा हमारे नेहरू पैलेस की जो यूनियन है उसके प्रधान, उसकी कार्यकारिणी इस बारे में कुछ नहीं कहती, क्या वो उनको नहीं लगता इससे यातायात जो अवरुद्ध होता है? सर आप यहाँ यातायात चलाओगे क्या? यातायात की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह। जो ऐसा है ना, वहाँ पे पार्किंग दे रखी है, हर एक को स्पेस दे रखा है, उधर भी पार्किंग दे रखी है, ये तो रास्ता है, यहाँ पे रास्ते में तो है। मतलब ये रास्ता नहीं है, गलियारा रास्ता नहीं है, गलियारा रास्ता थोड़ा चलिए, गलियारा रास्ता नहीं है, ऐसा दुकानदार का मानना है कि ये रास्ता नहीं है। साहब ये दुकान के आगे जो ये जो रास्ता छोड़ा गया है, ये हमारी दुकान के लिए छोड़ा गया है, हम इस अपने दुकान के आगे जो है सामान रखेंगे, ऐसा दुकानदार का मानना है। लेकिन लोगों के लगातार फ़ोन आते हैं, आप इस रास्ते की अगर मैं बात करूं, ये जो रास्ता है ये मुख्य बाज़ार को जोड़ता है, काफ़ी जो पब्लिक है वो यहाँ से होकर गुजरती है। काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं कि जब गलियारा बनाया गया है तो आखिरकार गलियारा खाली क्यों नहीं है, क्योंकि आम जनता जो है गलियारे में चलती है, लेकिन दुकानदार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामान रख कर बैठे हुए हैं, इसके पीछे आखिरकार जवाब दे कौन होगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।